हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो। आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में हम आज पूरी चीज़ देखने वाले हैं। हम मेनली जो टॉपिक कवर करने वाले हैं ब्रिक्स में, वो है कि हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू चेक क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स। हम किस तरीके से क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स को चेक कर सकते हैं एट द साइट, इसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। हम मेनली 10 पॉइंट के बारे में इसमें बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको ब्रिक्स की क्वालिटी चेक करना आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपके पास सबसे पहले ब्रिक्स के लिए, जैसे आप सबने ब्रिक्स देखा है, तो ब्रिक्स में हमने सबसे पहले उसको क्या देखना पड़ता है, साइज। तो हमने आपको यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है ब्रिक का, जिसमें आपको इसकी लेंथ आपको दी हुई है 190 mm, इसकी जो हाइट है वो है इसकी 90 mm, और इसकी जो विड्थ होती है वो है इसकी 90 mm। तो ये आपकी क्या है, स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज है। अब आपने देखा होगा कि जो ब्रिक होती है, ब्रिक में आपको इस तरीके का एक होल टाइप दिखता है। इस होल टाइप को हम बोलते हैं फ्रॉग। फ्रॉग होता है आप में ब्रिक में टॉप मोस्ट लेयर में होता है, मतलब सबसे ऊपर वाला जो फेस होता है उसमें आपको हमेशा फ्रॉग दिखेगा। ठीक है, इसकी भी कुछ क्वालिटी होती है, हम क्यों देते हैं जब हम फ्रॉग वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसमें हम आपको इस चीज के बारे में बताने वाले हैं। अब इसका यहाँ पर थोड़ा सा साइज देख लीजिए। जो फ्रॉग का साइज होता है वो लेंथ वाइज होता है 100 mm, और विड्थ वाइज होता है 40 mm। ठीक है, और इसकी जो डेप्थ होती है वो होती है 10 से 20 mm की डेप्थ होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका थोड़ा सा क्रॉस सेक्शंस के बारे में नॉलेज, कि आप किस तरीके से आप किसी भी ब्रिक को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट्स वाइज पॉइंट्स की। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट पॉइंट है यूनिफॉर्म कलर साइज एंड शेप। देखिए स्टूडेंट, यूनिफॉर्म कलर, यदि आप कलर की बात करेंगे तो आपका हमेशा रिच कलर की आपकी प्रॉपर्टी आपकी ब्रिक में होना चाहिए। ठीक है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि रिच कलर आपका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कलर। कलर के बाद आता है हमारा साइज। देखिए, साइज के बारे में हमने आपको यहाँ पर बताया है कि साइज क्या होना चाहिए आपका, 190 mm बाय 90 mm बाय 90 mm। तो आपका साइज होना चाहिए 190 mm बाय 90 mm बाय 90 mm का साइज आपका होना चाहिए। ठीक है, अब आती है हमारी थर्ड शेप के बारे में। देखिए, शेप आपका हमेशा क्या होना चाहिए, रेक्टेंगुलर साइज होना चाहिए, रेक्टेंगुलर शेप होना चाहिए इसका। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप होने के साथ साथ आपको इसमें चेक करना है कि शार्प एजेस होना चाहिए, शार्प एजेस होना चाहिए। ठीक है, जो एजेस आपकी यहाँ पर होती है इसका क्या होना चाहिए, एकदम शार्पनेस होनी चाहिए इसमें एकदम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। यदि हम साइज में और बात करें तो हम साइज में ये देख सकते हैं यहाँ पर कि जो डायमेंशन होती है उसको चेक करने के लिए साइज, जैसे ये डायमेंशन है, अब हम इसका चेक कैसे कर सकते हैं हमारी साइट पर। तो देखिए, आपको कम से कम 15 से 20 ब्रिक का एक बंडल लेना है, मतलब 15 से 20 ब्रिक लेना है, इनको वन बाय वन एक के ऊपर एक रख देना है। ठीक है, वन बाय वन इसके ऊपर एक के ऊपर एक रख देंगे आप, तो उससे क्या होगा कि आप इसकी साइज को इजीली चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप इसमें देख सकते हैं। इसमें आप लेंथ भी देख सकते हैं, विड्थ भी देख सकते हैं, और हाइट भी देख सकते हैं कि सभी ब्रिक्स की साइज, लेंथ, विड्थ और हाइट सेम है या नहीं है। ठीक है, अब आपको ये, क्योंकि ये चीज जो ब्रिक होती है आपकी मॉड्यूलर ब्रिक, ये आपकी हैंडमेड होती है, तो इसमें क्या है कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो इसमें IS कोड ने टॉलरेंस दिया है। टॉलरेंस क्या दिया हुआ है इसके बारे में देखते हैं। यदि आपकी क्लास ए की ब्रिक है, क्लास ए है मतलब फर्स्ट क्लास ब्रिक है, तो उसमें आपको ±3 का टॉलरेंस देखने को मिल सकता है। यदि मान लीजिए ±3 हो रहा है आपका लेंथ, विड्थ और हाइट में, तो वो चल जाएगा। यदि मान लीजिए अदर क्लासेस है, जैसे बी, ए के बाद बी सी वाली क्लास है आपकी ब्रिक की, तो उसमें आपको टॉलरेंस दिखेगा ±5 का। ठीक है, ±5 mm का, mm का आपको इसमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है, टॉलरेंस देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, जिसमें हमने देखा यूनिफॉर्म कलर के बारे में, साइज के बारे में और शेप के बारे में। ये आपको सबसे पहले चेक करना है। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट। देखिए, सेकंड पॉइंट बोलता है हमारा हार्डनेस। हार्डनेस देखिए क्या होता है कि आपको किसी भी ब्रिक की हार्डनेस चेक करने के लिए उसमें देखना पड़ेगा कि कोई भी एक शार्प चीज ले लीजिए, आप शार्प थिंग ले लीजिए उस चीज से। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई ब्रिक है, मान लीजिए मेरे पास ये ब्रिक है, इस तरीके को आप समझिए, ये मेरा ब्रिक है,
और इस ब्रिक को मुझे किसी एक हार्ड चीज से, मान लीजिए मेरे पास एक कोई हार्ड थिंग है, मान लीजिए ये, तो इससे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें स्क्रेच देना पड़ेंगे ऐसे। यदि स्केच इस पे पड़ जाते हैं आपकी ब्रिक पर, तो आपकी ब्रिक क्या है कि लो क्वालिटी की है, उसको आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आपको किसी भी शार्प चीज से या किसी भी आपकी नेल से भी आप इसको स्क्रेच कर सकते हैं, ठीक है, स्केच इसको कर सकते हैं। आप दोनों चीज से आप हार्डनेस चेक कर सकते हैं आपकी ब्रिक की, ठीक है स्टूडेंट। नाउ अब हमारा पॉइंट आता है 3, वाटर एब्जॉर्प्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि जब आप ब्रिक को यूज़ करेंगे तो आप क्यूरिंग करते हैं, क्यूरिंग करने के साथ आपकी ब्रिक वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, तो उसी वाटर को एब्जॉर्ब के लिए हम ये वाला टेस्ट पहले ही कर लेते हैं। कैसे करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, यदि आपकी ब्रिक है, तो ब्रिक सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपकी जो ब्रिक है वो 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये आपने हर जगह पढ़ा है, बट आपको ये समझना है कि कैसे, तो हम यही चीज़ बताते हैं। देखिए, यदि आपकी ब्रिक है, मान लीजिए आपने ब्रिक लिया, 5 सैंपल आप ब्रिक ले लीजिए, ठीक है, 5 सैंपल आपने ब्रिक लिया, इसका एवरेज ड्राई वेट आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर इन्हीं 5 सैंपल्स को हमें क्या करना है, वाटर में डाल देना है, ठीक है। इस वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद 24 आवर्स तक हमें इसको डुबाए रखना है वाटर में। 24 आवर्स के बाद इसका वापस से हमें वेट लेना है और उसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। ये आप इजीली साइट पर कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये चीज़ देखिए, आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। यदि मान लीजिए इसको हमने W2 लिया और इसको W1 लिया, तो हम बोल सकते हैं W2 - W1 / W2 × 100, क्यों, क्योंकि हमें 20% चेक करना है, तो हमें 100% लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ का वाटर एब्जॉर्प्शन चेक कर सकते हैं। सिंपल, आपको एवरेज ड्राई वेट लेना है, फिर जब आपने वाटर फिल करके ब्रिक को डाला था, 24 घंटे तक आप आपकी ब्रिक को पानी में डाले रखिए, उसका वेट कैलकुलेट करके दोनों को माइनस करके आप परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। याद रखिए, 20% से ज़्यादा आपकी ब्रिक वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, चेक फॉर एफोरेसेंस। ये चीज़ थोड़ी सी टफ होती है चेक करना, कि हम किस तरीके से चेक करते हैं, बट हम आपको इजी वे में बताते हैं कि सबसे अच्छा तरीका क्या होता है एफोरेसेंस को चेक करने के लिए। देखिए स्टूडेंट, एफोरेसेंस को चेक करने का मतलब ये होता है कि आपकी जो ब्रिक होती है, उस ब्रिक में सोल्यूबल सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस सोल्यूबल सॉल्ट को हम चेक कैसे करने वाले हैं, देखिए आपको क्या करना है, एक ट्रे लेना है, उस ट्रे पर आपको ब्रिक्स के सैंपल को रख देना है इस टाइप से, और इसकी 2.5 सेंटीमीटर हाइट तक आपको डिस्टिल्ड वाटर को फिल कर देना है, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर की हाइट तक आपको डिस्टिल्ड वाटर को फिल कर देना है, ठीक है, एट द टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपको रूम टेम्परेचर पर आपको सारा काम करना है, ठीक है, मेनली। तो इससे क्या होगा कि जब आप 24 आवर्स तक इसको भिगो कर रखेंगे, जब आप इसको बाहर निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो ब्रिक है, ब्रिक में आपको किसी प्रकार का सोल्टिस दिखने वाला है, ठीक है। एफ्लोरेसेंस का मतलब ये होता है कि आपको आपकी ब्रिक में वाइट पिचेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है कि एफ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि वाइट पिचेस क्रिएट होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, सोल्यूबल साल्ट जल्दी आपकी ब्रिक में प्रेजेंट है। तो यदि प्रेजेंट है तो आप इसको नेगलेक्ट कीजिए, आपकी ब्रिक लो क्वालिटी के ब्रिक है, कंस्ट्रक्शन के लिए आपको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये था आपका एफ्लोरेसेंस टेस्ट, ठीक है। नाउ अब हमारा आता है नेक्स्ट, साउंडनेस ऑफ ब्रिक। साउंडनेस एक सिंपल सा टेस्ट है। आपको साउंडनेस क्या करना है, आपको दो ब्रिक लेना है, एक ब्रिक लेना है एक हाथ में, दूसरी ब्रिक लेना है, दोनों को आपको क्या करना है, स्टेक करना है, ठीक है, आपस में इसको ऐसे करना है। यदि आपकी ऐसे करने से साउंड आपका मेटलिक साउंड आता है, किस टाइप का साउंड आता है, मेटलिक साउंड आता है, तो आपकी ब्रिक कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज करने के लिए अच्छी है, ठीक है। बट यदि आपने इसको स्टेक किया और यदि ये ब्रिक आपस में से क्रैक हो गई, टूट गई, तब भी आपको ये चीज़ यूज नहीं करना है।
आपको स्टैक करना है, मेटलिक साउंड आना चाहिए और ब्रोक नहीं होना चाहिए, ब्रोकन नहीं होना चाहिए आपकी ब्रिक फॉर्म, तब आपकी ये चीज क्लियर हो सकती है कि आप इस ब्रिक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फ्रॉक टेस्ट, जिसके बारे में हम बात करने वाले थे। देखिए फ्रॉक टेस्ट में हमें क्या करना है कि आपने साइज देख लिया, ठीक है, अब आपको फ्रॉक टेस्ट क्यों करना पड़ता है, फ्रॉक क्यों दिया जाता है, हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करते हैं। देखिए स्टूडेंट, फ्रॉक का हमारे पास सबसे बड़ा मेन चीज ये होता है कि जो ब्रिक होती है आपकी, उस ब्रिक में आपको इस टाइप से एक फ्रॉक दिया जाता है। ठीक है, जब आप इस ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक रखेंगे, ठीक है, इस टाइप से आप इसको ब्रिक को यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर भी एक का फ्रॉग है और इसका दूसरा फ्रॉग है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये ब्रिक का इस ब्रिक के साथ कांटेक्ट अच्छे से होना चाहिए, पकड़ बॉन्ड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एक ब्रिक के ऊपर जब दूसरी ब्रिक रखाएगी तो दोनों ब्रिक के बीच बॉन्ड अच्छा होना चाहिए, इस वजह से आप इस चीज़ को यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं फ्रॉग को, ताकि बॉन्ड एक ब्रिक का दूसरे ब्रिक के साथ बॉन्ड अच्छे से बन जाए, इसलिए हम फ्रॉग का यहाँ पर क्राइटेरिया देखते हैं। ठीक है, तो फ्रॉक के लिए आपको सिर्फ चेक चेक करना है कि उसकी जो लेंथ है, उसकी जो साइज है, हम आपको साइज दे देते हैं यहाँ पे 200 mm बाय 100 mm बाय 40 mm बाय 10 to 20 mm। ठीक है, ये लेंथ विड्थ आपको याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा होमोजेनिटी। देखिए होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि आपको जो ब्रिक है आपकी वो एक ही मटेरियल से बनी होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग मटेरियल आपका नहीं होना चाहिए उसमें, जैसे आपको क्लिंकर्स नहीं दिखना चाहिए उसमें, होल्स नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, उसमें आपको पूरा अर्थ ब्रिक ही यूज़ किया जाता है, उसमें होमोजेनिटी आपको देखना है। ठीक है, इम्पैक्ट टेस्ट के लिए आपको क्या करना है वो थोड़ा सा काम यहाँ पर देख लीजिए। देखिए ब्रिक टेस्ट के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, इम्पैक्ट टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट ये बोलता है स्टूडेंट कि आपको जो ब्रिक है वो ब्रिक आपको 1.2 या 1.5 मीटर की हाइट से नीचे गिरा देना है। ठीक है, यदि ब्रिक आपकी स्टेबल है, यदि ब्रेक नहीं हुई है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं आपके कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, यदि आपकी ब्रिक टूट गई है तो आप इस चीज़ को नेगलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, मतलब वो आपकी ब्रिक इम्पैक्ट टेस्ट में फेल हो चुकी है, आपको इस चीज़ को यूज नहीं करना है, सिंपल सा था। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर टेस्ट, स्ट्रक्चर टेस्ट में जैसे हमने आपको बताया कि इसकी आपको एजेस देखना है, ठीक है, सभी ब्रिक्स का स्ट्रक्चर, सभी ब्रिक्स का साइज सेम है या नहीं है, इस चीज़ को आपको नॉर्मली चेक करना है। क्रशिंग स्ट्रेंथ, ये आपका थोड़ा सा लेबोरेटरी टेस्ट हो जाता है, बट इसको हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको एक कंस्ट्रक्शन कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन यूज़ करना है, CTM जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपको ब्रिक को रख देना है और लोड को अप्लाई करना है। ठीक है, लोड को अप्लाई करना है, लोड जो आपकी मिनिमम क्राइटेरिया है, उस मिनिमम क्राइटेरिया है कि 3.5 न्यूटन पर mm² का आपका लोड उसको देना है, यदि ये आपका क्राइटेरिया CTM में चेक किया जाता है। ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट होता है इसको, मेनली ये चीज़ हमारे पास यूज रहती है, या हम लेबोरेटरी से भी इसका चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ ब्रिक का यूज़ करना है, जैसे हम क्यूब टेस्टिंग करते हैं हमारी लैब में, वैसे ही आपका ब्रिक का टेस्ट करना है, पर जो मिनिमम क्राइटेरिया है ब्रिक के लिए वो है 3.5 न्यूटन पर mm². ठीक है स्टूडेंट, नाउ एक चीज़ हम यहाँ पर एक और बता देते हैं आपको, होमोजेनिटी में, होमोजेनिटी में आपको लम्ब्स नहीं दिखना चाहिए, जिस तरीके से हम सीमेंट टेस्ट करते हैं उसमें लम्ब्स क्रिएट नहीं होते हैं, उसी प्रकार होमोजेनिटी का मतलब ये है कि उसमें लम्ब्स क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का ये टॉपिक जिसमें हमने मेनली 10 पॉइंट्स को डिस्कस किया, ये आपने देखा, यदि आपको इस में से किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अच्छा लगा है उसके बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, ऐसे ही नॉलेज को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन स्टूडेंट आपके पास सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि आपको क्या है कि ऐसे मैंने बहुत से वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर, आपको कुछ टेस्ट बता देते हैं, कुछ 5 से 6 टेस्ट बता देंगे, बट वो सारी क्वालिटी चेक नहीं होती है वहाँ पर, बट आपको यदि एक क्वालिटी इंजीनियर बनना है, आपको अच्छे से इंजीनियर बनना है, तो आपको ये सभी चीज़ें चेक करते हुए आना चाहिए, कैसे करते हैं, क्या डायमेंशंस होती है, क्या उसका क्राइटेरिया होता है, हमने सभी चीज़ें इसमें डिस्कस करी। तो आई होप आपको आज का ये पूरा वीडियो समझ में आया है, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट,
अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।